राजधानी दिल्ली में मंगलवार को राहत भरी खबर आई। दिल्ली स्थित एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी यानी आजादपुर मंडी में पिछले 3 दिनों से कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस मंडी में तैनात मेडिकल टीम ने पिछले 3 दिन में यहां पर 2500 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की है, जिनमें से 31 लोग कोरोना के सस्पेक्टेड पाए गए हैं। इस मंडी में अब फल और सब्जियों की आवक भी सामान्य होने लगी है। मंगलवार को आजादपुर मंडी में 7,250 टन फल और सब्जियों की सप्लाई हुई, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि आजादपुर मंडी में अब फल और सब्जियों की सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। आजादपुर मंडी में अब तक 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मंडी में कुछ दिन पहले एक के बाद एक कोरोना के नए मामले सामने आ रहे थे, जिसके चलते मंडी से लेकर पूरी दिल्ली में हड़कंप मचा था, लेकिन फिलहाल उन आंकड़ों पर अब लगाम लगती नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में अगर कुल मरीजों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 5,000 के करीब जा पहुंचा है। सोमवार को दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मरीज आने का रिकॉर्ड टूट गया था। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।